गार्जियन लोगों से हम कहेंगे कि एक साल हमें लोग विश्वास का मौका दें, अगर हम खड़ा नहीं उतरूंगा तो मालिक है कोई, हम तो एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है ये निःशुल्क है या कुछ नहीं? तो रजिस्ट्रेशन तो निःशुल्क है और इस साल भर एडमिशन भी बीपीएल बच्चे के लिए एक अलग से क्लास रूम को हम लेकर उसके लिए कमेटी बनाऊंगा, जो जो योग्य बच्चे होंगे उसको मैं फ्री शिक्षा देने का काम। मेरे अंदर जिज्ञासा थी कि अगर हमको उस लायक हमको ईश्वर ने बनाया तो मैं एक विद्यालय का स्थापना करूंगा, इसी के अंतर्गत मैं विद्यालय। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के। इसका शुभ उद्घाटन दीपक ज्वलित के साथ करें। धन्यवाद। लोग हमारे करते हुए कि हम सभी आपको क्षमा रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की। आज अपने स्कूल का ग्रैंड ओपनिंग हुआ है, क्या कहेंगे? एसआरएच कैमरी स्कूल की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर राज्यसभा के उपसभापति जी जो आए थे उनके बारे में दो शब्द क्या कहेंगे, जिनके कर्मियों के द्वारा उद्घाटन किया गया है? राज्यसभा के उपसभापति जी जब हम प्रोग्राम के लिए गए थे उनके गांव पर 14 जनवरी 24 को जब उनको आमंत्रण दिया, उन्होंने आने का स्वर स्वीकार कर लिया। विगत 20 तारीख को उन्होंने फ़ोन किया जो हमको आप इसी महीने में करा लीजिए, तो 29 तारीख को उन्होंने समय दिया, उनका बहुत बहुत आभार। इतने बड़े पद पर होके छोटे से गांव कस्बे के स्कूल में वो आए हुए हैं, पूरे विद्यालय परिवार पूरे प्रखंडवासी की तरफ से उन लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर देहात गांव में भी इतना बड़ा स्कूल खोले हैं, क्या छोटे छोटे गाँव के गरीब घर के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ पाएंगे? मेरे बाबा शिक्षक थे, तो उसके बाद तो 1917 में जब महात्मा गांधी जी आए तो उनके आह्वान पर उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और आज़ादी की लड़ाई में लग गए, तो करीब करीब मोटा मोटी 6 साल तक वो जेल में थे। उन्हें सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान भी मिला हुआ है। अब मेरे पिताजी भी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जब मिडिल स्कूल में जब बड़का गाँव में थे तो उन्होंने ने तब महंत जयनारायणपुरी उच्च विद्यालय छिरौना में अपने वहाँ पर स्थापना किया। उसके बाद शिवहर जिला के लालगढ़ हाई स्कूल में भी तो वे प्रधानाध्यापक थे। उसके बाद उच्च विद्यालय ढाका से 1998 में तो सेवानिवृत्त हुए। तो मेरे मन में शिक्षक परिवार के होने के नाते मेरे मन में जिज्ञासा था कि मैं एक अच्छा सा विद्यालय खोलूँ जिसमें यहाँ के देहात के बच्चों को जो गरीब परिवार से आते हैं शहर में रह के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आज तक के पढ़ाई में डिजिटल पढ़ाई हो रहा है, CBSE पैटर्न पढ़ाई हो रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो बिहार बोर्ड का पढ़ाई होता था, इसलिए सब लोग पढ़ नहीं पाते थे। मेरे अंदर जिज्ञासा थी कि अगर हमको उस लायक हमको ईश्वर ने बनाया तो मैं एक विद्यालय का स्थापना करूँगा, इसी के अंतर्गत मैं विद्यालय खोला हूँ। आपने पूछा है जो गरीब लड़के के लिए क्या सुविधा है, मैं BPL बच्चे के लिए एक अलग से क्लास रूम को हम लेकर उसके लिए कमेटी बनाऊँगा, जो जो योग्य बच्चे होंगे उसको मैं फ्री शिक्षा देने का काम करूँगा। SRS जो हम ग्रुप बनाए हैं उसके अंतर्गत मैं हमारे तो मन में है ये सुदूर देहाती क्षेत्र में एक हम नर्सरी का इंस्टीट्यूशन तो खोलें ताकि घर के बेटियों को उसको एक अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो मिल सके और एक बी फार्मा का स्थापना करें, ANM का स्थापना करें। ये हम मन में अगर मेरा विद्यालय चल जाता है नर्सिंग कॉलेज ANM ये सब कब तक स्थापना होने की संभावना है? मैंने जब इसका काम बंद हो जाएगा मई के जब 24 में जब इसका काम जब पूर्ण हो जाएगा, बच्चे जब यहाँ रेगुलर स्कूल आने जाने लगेंगे, पठन पाठन का प्रक्रिया जब यहाँ सुगम हो जाएगा, उसके बाद से उसके बारे में हम स्थापना के बारे में। इसमें है जो CBSE करीमपुरम से तब पढ़ाई होगा, डिजिटल हॉल ऊपर बनाया गया है जिसमें 200 बच्चे का एक साथ उसको डिजिटल पढ़ाई पढ़ाया जा सके। ऊपर में इसी के ऊपर में हॉल बना हुआ है, आप लोग चल के दिखाते हैं। एक कंप्यूटर क्लास बनाया गया है अलग, उसमें करीब 40 कंप्यूटर लगा हुआ है, पुस्तकालय बना हुआ है, छोटे बच्चों को खेलने के लिए
मैदान बना हुआ है, झूला बना हुआ है, ताकि सब सुविधा जो जो कि एक एक उन्नत स्कूल में होना चाहिए, बढ़िया स्कूल में होना चाहिए, वो हम देने का कोशिश जरूर करेंगे। सर, किसी के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे, गार्जियन के लोगों, गार्जियन लोगों से हम कहेंगे कि एक साल हमें लोग विश्वास का मौका दें, अगर हम खड़ा नहीं उतरूंगा तो वो मालिक है कोई, हम तो एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं जब हम बराबर आपको पढ़ाएंगे। एक साल हमको सेवा का मौका दें, अगर उचित उन लोगों को नहीं लगेगा तो वो लोग अपना नामांकन कब से प्रारंभ होगा? नामांकन हमारे यहाँ 280 बच्चे का नामांकन 14 जनवरी से शुरू हो गया है, रोड जो बच्चे आ गए हैं 250 बच्चे का हो गया है, रिजर्वेशन हो गया है, तो 12 तक का नर्सरी से 12 तक, लेकिन इस साल हम सबूत तक पढ़ाएंगे क्योंकि व्यवस्था मेरा सब परिपूर्ण नहीं हुआ है। 2025 के अप्रैल से पूर्ण रूप से नया 25 में हम यहाँ 12 का पढ़ाई, 10-12 का पढ़ाई अफिलिएशन के साथ, डिग्री के साथ हम शुरू कर देंगे। क्षेत्र से बाहर से अगर कोई आता है पढ़ने के लिए, उसके लिए कुछ व्यवस्था भी है? अभी हॉस्टल का व्यवस्था नहीं किया जाए, अभी तो भवन बन रहा है, अभी तो इसी काम प्रक्रिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हॉस्टल बनाकर अब हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पहले ये एक काम को तो हम पूरा कर दें तब उस पर दे दें, हम अच्छा तरह से व्यवस्था करें। उपसभापति जी कह रहे थे कि लिंकन साहब का जो लिखनी है उनको चिट्ठी को अपने दीवार पे कहीं करा जाए, क्या आप करेंगे? जो जो वो बोले हैं आप देखोगेगा, जो हम उनको कागज पर लिख रहे हैं जो जो बोले हैं उनके अनुसार हम सब चीज लिखेंगे। अगले वर्ष तो आप सुने हैं जो हम उनसे मांग किए हैं, जो अगले वर्ष आप इसके वार्षिक उत्सव पर आप आकर और मेरे बाबा जी स्वतंत्रता सेनानी और मेरे पिताजी का मूर्ति की का इसी कैंपस में उनका स्थापना कराना है, मैंने उनको आग्रह किया है। आप सब बात देखे हैं, सतम लिखे हैं। टीचर हमारे यहाँ पूना की दो टीचर आई हुई, हमारी डॉक्टर ज्योत्सना जो है, ज्योत्सना जी हैं सो पूना से आई हैं, दो टीचर वहाँ तेलंगाना से आई हैं, दो आदमी उड़ीसा से आया है, दो आदमी दार्जिलिंग से आया है। मैं इस सब लोग को रहने के लिए हमारा 20 रूम का घर था पताही में, अटैच लेटरिन बाथरूम किचन के साथ सब लोग को रहने सहने का व्यवस्था मैंने दिया है। अक्सर देखा जाता है कि जब स्कूल की स्थापना होती है उस समय सभी स्कूल वाले बाहर से टीचर को लाते हैं, लेकिन एक दो वर्षों के बाद सभी टीचर फिर बाहर चले जाते हैं, देहात के टीचर वहाँ रह जाते हैं। अभी देखते हैं, हम भी देखते हैं जी, अभी जो देखते हैं वो हम भी देखते हैं। अब इसको आप लोग तो चौथा स्तंभ है, अब आगे तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, आगे अगर कुछ बात अगर होगा तो आप लोग से फिर हम बात करेंगे। आप तो उम्मीद रखा जा सकता है एकदम पूरा बाहरी आए रहेंगे, 100% बाहरी भी रहेंगे और लोकल जो अपने यहाँ क्षेत्र में जो यहाँ टीचर लोग हैं वो अधिक का सैलरी के अभाव में वो बाहर जाते हैं। मैं सभी लोगों का भुगतान बैंक के खाता से करूंगा, मैं अच्छा टीचर रखूंगा। तो उन टीचर को किस हिसाब से आप चयन करेंगे अपने स्कूल के लिए? हम एक कमेटी बनाए हुए हैं, हमारे प्रिंसिपल मैडम यहाँ की हेड हैं और मेरे कमेटी के हेड हैं, दूसरे रिटायर्ड प्रधानाध्यापक लोग हैं जो कि मेरे ही गांव के हैं, 5 आदमी का कमेटी हम रखे हुए हैं टीचर बहाली के लिए। अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है ये निःशुल्क है या कुछ नहीं दिया जाए? तो रजिस्ट्रेशन तो निःशुल्क है और इस साल भर एडमिशन भी तो फ्री है, फ्री है एकदम। गरीब तबका के लोग स्टैंडर्ड को देख करके कहते हैं काफी पैसा लगेगा, एकदम कम पैसा है, 1150 रुपया महीना फी लग रहा है, 1150 से लेके 1500 तक फीस है इसका। इतना स्टैंडर्ड होने के बावजूद, इतना के बावजूद भी उस लायक है, क्योंकि देहात के लोग हम समझते हैं जो अधिक फीस रखने पर गरीब बच्चे देहात के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं जो अगर यही बच्चा अगर शहर में रहता है तो 10,000 का महीना उसको रहने सहने में गार्जियन को खर्च करना पड़ेगा, एक रूम लेगा, बिजली बिल देगा, पानी का बिल देगा, खाना खाएगा, उसको सवारी देगा और स्कूल में फीस देना पड़ेगा। इसलिए ये सब देख के आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आप लोग आभारी हैं। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के।